हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज बात करेंगे हम जो 48वें जो नेशनल फिल्म अवार्ड है राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्या बन सकते हैं, कौन किस किस को क्या दिया है, तो ये हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। चाहे आपका कोई बड़े से बड़े एग्जाम हो, चाहे छोटे से छोटा कोई भी, चाहे वनडे एग्जाम हो, सबकी दृष्टि से इंपॉर्टेंस है इसकी। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछे जाते हो। तो नमस्कार दोस्तों, इस लेख में जो हम 2022 में जो घोषित जो 68वें नंबर के हैं, तो ध्यान रखना पहले कौन से नंबर के, 68वें नंबर का एक क्वेश्चन यही बन जाता है। और जो करंट अफेयर की जो डिस्कस करेंगे इसके बारे में जो, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से आप जो डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर द क्लास। तो अच्छे से देखें, अच्छे से समझें क्लास को पहले कि क्या है, क्या चल रहा है। जो 22 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जो 2022 के लिए फिल्मों के लिए दौरान दिया गया किया गया है। ध्यान रखना, ये 2022 में 68वें नंबर के हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, जो किस किस को, तो ये हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो मराठी सहित जो अन्य भाषाओं के लिए पुरस्कार दिए गए हैं, इन भाषाओं को देख लो। और जो स्थापना हुई थी इसकी, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है वनडे एग्जाम की दृष्टि से, 1954 में इसकी जो स्थापना हुई थी। तो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा एग्जाम्पल, चाहे पैट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आने वाले जितने भी हमारे जो लेखपाल या आपका जितने भी जो आपकी कांस्टेबल हो या फिर टैट सी टैट, सभी में इसकी इंपोर्टेंस है। जो डायरेक्टर फिल्म्स ऑफ द फेस्टिवल के लिए पेश किया गया है, यह जो विपुल सहायता अध्यक्षता किसने की है, विपुल साजी ने की है। 9 सदस्यों की टीम द्वारा विजेताओं का चयन किया गया है। सदस्य कितने हैं, 9 सदस्यों की टीम है, तो ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। तो सर्वाधिक अवार्ड किसको मिले हैं, तो सुरोई पोत्रू को 5 अवार्ड मिले, सबसे ज्यादा सुरोई पोत्रू, ध्यान रखना। जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, देखो ये तो एक तरीके से समरी, आप देख लो इससे जो हम जो मल्टीपल चॉइस कितने बन सकते हैं तो उसको देखते हैं। बाकी आप जो अच्छे से देखो, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना सभी जो अच्छे से। तो बिना विदाउट स्किप किए हुए जो ना वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं भाई चैनल को, वो देखो सब देखो लाइक करेंगे और जो शेयर करेंगे। जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, ए हमारा तानाजी, बी हमारा जो सुमी जो, और दूसरा जो अयप्पम जो कोशियम कोशिनाम, और जो डी हमारा जो सुराई पोत्रो। तो डी इज द सुराई पोत्रो इज द करेक्ट आंसर है। तो निदेशक है जो सुधा जो कोगरा इज द करेक्ट आंसर, कोगरा इज द करेक्ट आंसर इसका। तो नेक्स्ट है भाई हमारा जो 68वें फिल्म पुरस्कारों के लिए बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया, तो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार ए हमारा जो बीजू मेनन, बी हमारा जो अजय देवगन, सी हमारा जो सूर्य, डी हमारा जो ए और सी, और ई हमारा जो बी और सी। तो ई इज द करेक्ट आंसर है, यानी कि बी और सी, बी हमारा अजय देवगन और सी हमारा है जो सूर्य। तो दोनों को दिया गया है इस, तो ये तानाजी के लिए ने अजय देवगन तानाजी को द आंसर द वैरियर के लिए, और आपका जो सूर्य के लिए सुरोई पोत्रों के लिए दिया गया है, ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। और जो 68वें फिल्म पुरस्कारों के लिए बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया है, तो ए हमारा आलिया भट्ट, बी हमारा दीपिका पादुकोण, और सी हमारा जो जो अपर्णा जो बालामुरली, तो और डी इज द राधिका मंथना। तो सी इज द करेक्ट आंसर है, तो अपर्णा द बालामुरली इज द करेक्ट आंसर है। फिल्म है जो सुराई पोत्रू, तो सुराई पोत्रू को 5 मिले हैं, तो ध्यान रखना है इन चीज का। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर देखो थोड़ी सी अगर समझ में आ रहा हो तो शेयर करो भी, देखो शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, तभी देखो और अच्छा मन करता है और अच्छा काम करने के लिए। जो 68वें नंबर के फिल्म जो पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया, ए हमारा जो सचिंद्र जो केवी, और जो सुधा कोगरा, और सी हमारा जो ओम राउत, और डी हमारा जो मोडिन अश्विन, और ए इज द करेक्ट आंसर है ए। तो सचिंद्र जो के आर इज द करेक्ट आंसर है। जो फिल्म है हमारी जो ये अयुपनम्स जो कोशियम्स, और डी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है। 68वें फिल्म पुरस्कारों के लिए बेस्ट जो सपोर्टिंग अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया, सपोर्टिंग अभिनेता के लिए पूछ रहा है आप जो, तो ये ए हमारा अक्षय कुमार, बी हमारा जो बीजू मेनन, सी हमारा जो अभिजीत जो सेतु, और डी हमारा जो सैफ अली खान। तो बी इज द करेक्ट आंसर है, तो बीजू मेनन इज द करेक्ट आंसर है। तो बीजू मेनन के लिए आईएम पूनम कोशियम के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 68वें फिल्म पुरस्कारों के लिए बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का जो बेस्ट अभिनेत्री को लिया, तो ये अभिनेता हो गया बीजू मेनन हो गया। अभिनेत्री के बारे में पूछ रहा है, तो दिव्या मेनन, सी बी बी हमारा जो काजल अग्रवाल, सी हमारा जो है लक्ष्मी पी चंद्रमौली, और डी हमारा जो नयनतारा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, लक्ष्मी पी चंद्रमौली इज द करेक्ट आंसर है। तो इनके लिए सपोर्टिंग के लिए दिया गया है। तो ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 7, 68वें फिल्म पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, ए हमारा तानाजी, बी हमारा जो साइना, सी हमारा पृथ्वीराज, सी हमारा तुलसीदास जूनियर। तो
और डी हमारा जो तुलसीदास जूनियर को दिया गया है, ये भाई जो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म कलाकार को पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है, और जो निर्देशक है जो मर्दुल तुलसीदास के निर्देशक डायरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो 68वें फिल्म पुरस्कारों के लिए पुरस्कारों की भेंट में जो बेस्ट मेल जो प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड किसको दिया गया है, तो ए हमारा जो राहुल देशपांडे, बी हमारा जो अरिजीत सिंह, सी हमारा जो सिद्धू मूसेवाला और डी हमारा जो बी प्रेक। तो ए हमारा जो राहुल देशपांडे इज द करेक्ट आंसर है, तो मराठी है ये जो फिल्म है जो भी बसंतराव की। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसको दिया गया है, ए हमारा जो सावनी रविंद्र, बी हमारा जो नंजी अम्मा, सी हमारा जो श्रेय घोषाल, डी हमारा जो पलक जो मुच्छल और डी और जो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है बी, तो नंजी यम्मा। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो पार्श्व गायिका है जो के लिए जो नंजी यम्मा के लिए मलयालम है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, राष्ट्रीय जो 68वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए बेस्ट म्यूजिक निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ए आर रहमान, बी हमारा प्रीतम दा, सी हमारा जो थॉमन एस और जो डी हमारा हिमेश रेशमिया है, तो डी इज द करेक्ट आंसर है बेस्ट संगीत निर्देशक का इनाम निर्देशक जो एस जो थॉमन को जो सॉन्ग के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है जो फिल्म है जो अला जो बैठू पुलम मलू, ये देखो नाम ऐसी साउथ के हैं तो याद होनी चाहिए, देखो क्या क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100% है। तो जो बैकग्राउंड के लिए जो सोराई पेत्रू के लिए दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 11, 68वें फिल्म पुरस्कारों के लिए किस राज्य को बेस्ट फिल्म जो फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार दिया गया है, तो गोवा को, बी हमारा सिक्किम को, सी हमारा राजस्थान को, डी हमारा मध्य प्रदेश को, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश को दिया गया। तो 68वें फिल्म पुरस्कारों के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट फिल्म जो फ्रेंडली राज्य पुरस्कार दिया गया और जो 2021 में सिक्किम को दिया गया, तो इतना हमें पता होना चाहिए। अन्य पुरस्कार कौन कौन से हैं, अन्य पुरस्कार में पर्यावरण संरक्षण के लिए बेस्ट फिल्म के लिए ये जो तलेंडा के लिए कन्नड़ भाषा की है, जो बेस्ट जो स्क्रीन प्ले के लिए सुराई पेत्रू को तमिल की है, इसको सबसे ज्यादा 5 अवार्ड मिले हैं। जो बेस्ट जो लिरिक्स के लिए साइना मनोज जो मुस्त्री जो ये हिंदी की है, और जो बेस्ट चिल्ड्रेन फिल्म के लिए सोमी मराठी की है। जो सामाजिक मुद्दे पर जो फिल्म जो शूनल जो मराठी की है। विभिन्न भाषाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो ये अन्य अवार्ड में जो मराठी फिल्म का नाम है जो द गोस्ता एक द पैथीची, तो ये नाम ऐसी हैं देखो याद रखने हैं। तेलुगु फिल्म के लिए कलर फोटो, मलयालम के लिए जो थिकान जा वेंचानम, और तमिल के लिए सुजीनियम्स इन द फिल्म ऑफ पोंगलम, और कन्नड़ के लिए डोलू। तो 68वें फिल्म पुरस्कार के विजेता की सूची देख लेते हैं एक बार, जो एक तरह से समरी की जो सर्वश्रेष्ठ जो बंगाली फिल्म है जो अवजात्रिक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो तुलसीदास जूनियर, सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म डोलू, सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म गोस्ट एम जो पैठान नाची, और सर्वश्रेष्ठ जो तमिल फिल्म जो है शिवजंजिनम जो इंकुलम पुंजलम पोंगुलम मठ, और सर्वश्रेष्ठ जो तेलुगु फिल्म है जो कलर फोटो है, सर्वश्रेष्ठ जो आसामी फिल्म जो ब्रिज है, सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म जो थिंडू वा जो निश्चम, सर्वश्रेष्ठ जो हरियाणा फिल्म है दादा लक्ष्मी, सर्वश्रेष्ठ जो तुलु फिल्म है जीतेंगे, और जो बेस्ट फीचर फिल्म जो सुराई पेत्रू तमिल फिल्म है ये, जो बेस्ट एक्टर्स जो अपर्णा जो बालू मुरली जो सुराई पेटू, और जो बेस्ट एक्टर का जो अजय देवगन तानाजी, और जो ओन तानाजी के लिए, और जो सूर्य के लिए सुराई पेत्रू पोटू को दिया गया है, और जो बेस्ट प्ले जो मेल प्लेबैक सिंगर के लिए राहुल देशपांडे को, बी बसंत राव के लिए, और जो बेस्ट फीमेल प्लेबैक के लिए नचम्मा के लिए एक है अयप्पन कोशियम के लिए, द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए बिज मेनन के लिए एक है अयप्पन कोशियम के लिए, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए लक्ष्मी प्रिय जो चंदमौली को दिया गया, और देखो इतना पता होना चाहिए।